Lagnin Lagnin Satyam. So Satyam Kashyap this side from Pharmache. Let's start your video. दोस्तों आज का टॉपिक चालू करता हूँ बिना कुछ लाग लपेट के, और अपन देखते हैं कि कैसे कीवर्ड सर्च में हम टॉप पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारा ये वीडियो जो था रैंकिंग कर रहा था 100 सब्सक्राइबर में, ये देखिए दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे पोजिशन पर मेरा ये वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये रैंक करती है वीडियो। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली ये आपने जो रैंकिंग जो भी रैंकिंग वीडियो है उसको खोल लीजिए और उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करते हैं अपन, उसके एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले जाते हैं ये वीडियो एनालिटिक्स में। तो यहाँ पे देखिए ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा SEO रिजल्ट में हम नंबर वन पोजिशन पर चल रहे हैं, 100% मेरे को मार्क्स मिले हैं, देख रहे हैं 100%। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा, आज मैं बस बताऊंगा कि कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं। तो ये देखिए ये हमने रैंकिंग खोल ली वीडियो, रैंकिंग वीडियो के हम ये देखिए ये कीवर्ड सेक्शंस है, ये नीचे जो देख रहे हैं ये कीवर्ड सेक्शंस है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा कीवर्ड सेक्शंस है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन सीधे कॉपी कर लेते हैं, सीधे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए अभी आप ये खुल गया, अब इसमें से कोई भी वीडियो हम कोई भी कीवर्ड्स कॉपी कर सकते हैं और जाके हम अपने डिस्क्रिप्शन में, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन में जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप जाके इसके नीचे कीवर्ड्स लगा सकते हैं। तो आप इसके नीचे कीवर्ड्स लगा दीजिए और देखिए फिर आपकी भी वीडियो वेबसाइट पर रैंक करने यूट्यूब पर रैंक करने लगेगी। ये कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझे कि नहीं। तो अपन ने अभी जो देखा था कि देखिए नंबर वन पे अभी जो बच्चा आ रहा है ये नंबर टू पे अभी चल रहा है, कभी नंबर वन हो जाता है कभी नंबर टू हो जाता है। ये जो बच्चा है इसका नाम है मनोज देव, बहुत एज नहीं है इसकी, हम लोगों से बहुत छोटा है, खास करके मुझसे तो बहुत छोटा है, पर कोई ये बहुत बड़ा यूट्यूबर भी नहीं है बाबा, और ना इसने कुछ बहुत बड़ी डिग्री ले रखी है। इसने क्या करा है, इसने सिंपल यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू कर दिया और आज के डेट में nowadays he have 15 लाख सब्सक्राइबर्स, सोच सकते हैं आप। और इसकी डेली की इनकम समझते हैं आप कितनी है, डेली की इनकम इसकी 10,000 रुपये से ऊपर की है, सोच लीजिए आप। आज जहां इंजीनियर 40-50 हज़ार पे भी खट रहे हैं बिना इंजीनियरिंग की डिग्री लिए, बहुत छोटे घर से ये आता है, आई अप्रिसिएट हिम स्पेशली। एक्चुअली क्या है कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन ये हमारे जैसा इंटेलिजेंट नहीं है दोस्तों। इंजीनियर जो इंटेलिजेंट होते हैं, हम एक रात में शिवानी पढ़ के पेपर निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी भूख TCS, विप्रो, इन्फोसिस, IBM, गूगल इधर की तरफ रह गई, हमने कभी ये शॉर्टकट देखा ही नहीं। ये शॉर्टकट कहीं इन लॉन्गकट से ऊपर जाता है, और इसमें तब 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 के समय कोई भीड़ नहीं थी, जब हम मारा मारी कर रहे थे बैंगलोर की गलियों में रिज्यूम लेके, तब ये लोग मजे से वीडियो अपलोड कर रहे थे। और कैसी वीडियो अपलोड कर रहे थे पता है आपको, इसको गाली दे दिया, उसको कैरी बिनाटी करता क्या ये बताइए आप, कैरी बिनाटी रोस्ट करता है, और रोस्ट कर करके उसने अपने आप को इतना चमका लिया कि आज वो फोर्ब्स मैगजीन पे आता है, मल्टी मिलेनियर के टैक्स लगे हुए हैं, उसके पास आज के डेट में 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जस्ट इमेजिन, आप नौकरी करके, कौन सी नौकरी करके आप 60-70 करोड़ रुपए कमा सकते हो मेरे भाई, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो आप 5 करोड़ ना बचा पाओगे ये इंजीनियरिंग के जॉब से। ये ब्लू टिक एक तरह से कर लीजिए, वेरीफाइड यूजर है ये मिलना आसान बात नहीं है, इसे मिला हुआ है। तो सोचिए आपने क्या उखाड़ लिया, इंजीनियरिंग करके आपने उखाड़ क्या लिया ये बताओ मेरे को। ये 50,000 से जो आपका सफर चालू हुआ, आज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-1.5 लाख पे इंडिया में अटका होगा, अगर आप विदेश में होगे तो 4 लाख पे अटका होगा या 5 लाख पे अटका होगा। तो आप क्या बचा लिए और क्या उखाड़ लिए, बहुत तो बहुत आपने एक फ्लैट ले लिया होगा, एक अच्छी गाड़ी ले ली होगी,
एक आध और घर ले लिया होगा, कुल मिला के आपने आज अपने लाइफ में एक आध करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए की पूंजी बनाई होगी। इस बंदे का एज आपसे 5 से 6 साल छोटा है ये, और नाउडे ही हैव अ 5 करोड़ रुपीज, मोर देन, आई एम डैम श्योर। बताते नहीं है सब यूट्यूबर, बताते नहीं, बताएगा तो फिर ये इसके सब्सक्राइबर ही इससे जलने लगेंगे ना। तो एक्चुअली क्या है, तो भाई ये रास्ता अपनाओ ना, हम भी तुम भी सब अपनाओ ना। मैं बताता हूँ ना कितना ईजी है, ये देखिए इसका ग्राफ देखिए, रोज इसके पास 2 लाख व्यूअर बढ़ रहे हैं, सोचिए तो इसकी अर्निंग कहाँ जा रही होगी, सोच सकते हैं आप इसकी अर्निंग कहाँ जा रही होगी। तो मेरा ये कहना है भाई कि अभी भी देर नहीं हुई है, जब जाके तभी से वेरा उठाओ अपने लुटी कमरिया और लग जाओ, कैमरा लो, और कैमरा की जरूरत कहाँ है आज के डेट में, तो इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आने लगे हैं कि कैमरा की भी जरूरत ना है। बस इरादे मजबूत होने चाहिए, अंदर का सोल जगना चाहिए, फिर देखो हम क्या आग लगाते हैं भाई। लिटरली जो बच्चे एक दिन में शिवानी पढ़ के पेपर निकाल सकते हैं, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द इंजीनियर्स गाइस। तो दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई है, इनने जो 6 साल में कमाया है ना, हम 2 साल में 1 साल में कमा सकते हैं, बस अपने हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी आपको दिखाता हूँ कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना होने देते हैं। तो कीवर्ड सर्च में मैंने आपको दिखा दिया, ये बेसिक इन्फो में लिखते हैं, ये देखिए इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अपन जाते हैं नीचे, ये देखिए लिंक्स लगा सकते हो आप, ये इसके अलावा अपन कोई भी वीडियो को उठा लीजिए आप, इसका कोई भी किसी के भी रैंक कर रही कोई भी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इसी का लिखना था मेरे को। तो इस पे देखिए, इस पे मैंने अभी इतना किया, अब देखिए ये जो आ रही है, ये जो लाइंस आ रही है, ये देख रहे हैं कितनी सारी लाइंस खुल गई। तो इसको भी आप टैग में ले सकते हैं अपने, इससे भी क्या कि ये देखिए जैसे ही सब्सक्राइब लिखिएगा तो ये पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ऐसे करके ये सब भी रैंक करती है। तो अपना थंबनेल अच्छा रखें, कीवर्ड्स अच्छे सर्च करें, कंटेंट अच्छे रखें, तो बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है अपने वीडियो को रैंक कराना, समझे कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबको मोटिवेट करने के लिए फॉरवर्ड जरूर करें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई सोच नई सुबह के साथ। जय हिंद।